हाय ब्रो, आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि SDM ज्योति मौर्या जी और आलोक मौर्या जी के बीच में काफ़ी जोर से विवाद बढ़ते जा रहा है दोस्तों, और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी भी प्राप्त होता है दोस्तों कि SDM ज्योति मौर्या जी और मनीष दुबे ये दोनों मिल करके चर्चा भी कर रहे हैं दोस्तों कि आलोक मौर्या जी को डाइवर्स दिया जाए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को SDM ज्योति मौर्या जी और मनीष दुबे जी का कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर नया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। अरे क्या कर रही हो पागल? कुछ नहीं, बस बैठे हैं, आज ड्यूटी पे क्यों नहीं आई? देख रहे हो कितना हंगामा चल रहा है, कितनी क्या हुआ, कुछ हो रहा है, इसकी वजह से नहीं आई मैं। अच्छा, तो हंगामा तो चलता रहता है, तो सोशल मीडिया है, होता रहता है, क्या दिक्कत है? हाँ, बोलो, घर से निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि जहां भी जाओ देखो मीडिया वाले, मैडम ये, मैडम वो, मैडम ये, इस चीज का जवाब दो, इस चीज का जवाब दो, आ जवाब दो उन लोगों को। हाँ, अच्छा, मतलब घर से निकलने में क्या, तुम्हारा अभी पति क्या बोल रहे तुम्हारे से? देख क्या बोलेगा, कुछ नहीं, इससे तो बस डेली लड़ाई झगड़ा होती रह रही है और क्या, कुछ नहीं। क्या वो तो कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें? नहीं, बस तलाक की बात है, तलाक मैं लेना चाह रही हूँ, दे नहीं रहा है अभी। तुम कब से तलाक तलाक बोल रहे हो? वो दे नहीं रहा है, क्या करें इसका? देखते हैं अभी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मीडिया वाले भी बार बार उसके साइड ले रहे हैं, सारे लोग उसके साइड ले रहे हैं। और एक तो देखो, तुम्हारी पत्नी है, उसने जिन आराम कर दिया है, उसने उसकी साइड ले ली है, अच्छा मेरी पत्नी भी परेशान कर रही है। अच्छा, और नहीं तो क्या। चलो ऐसा कर, कहीं बाहर चलते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री चले जाएं कुछ टाइम पे घूमने के लिए, जब तक ये हवा चल रही है। अच्छा, हाँ यार, सही रहेगा, अच्छा लेकिन फिर तो और भी हंगामा हो जाएगा कि दोनों पक्के, दोनों पक्के कह है? रही, और हंगामा हो जाएगा, कहेंगे दोनों बग्गे बग्गे, क्या अच्छा किया जाए। कुछ नहीं, छोड़ो, टेंशन मत लो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बाकी यार आज ऑफिस में मिलने का दिल कर रहा था। अच्छा, मैं शाम को मिलती हूँ आपसे बाहर। ऐसा करो ना, मीटिंग का बोल के तुम लखनऊ आ जाओ, लखनऊ चलते हैं हम घूमने के लिए। यार मीटिंग का बहाना करूँ, सबको पता ही है, वैसे भी हम जिस होटल में गए थे आपको पता ही है, उसने देख लिया था, तभी से तो ज्यादा तो हंगामा हो गया है। अभी उस होटल में नहीं जाएंगे ना हम? चलिए ठीक है, देखती हूँ शाम को, मैं बोलती हूँ उसको, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। दिन मतलब हम होटल में गए, वो पीछे पीछे आ गया। यार मुझे कहीं के लग रहा आपका मोबाइल हैक तो नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं कभी कभी हमारी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो जाती है लोगों के सामने, वो कैसे जाती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बात कैसे लोगों को पता चल जाती है? पता नहीं यार, जब मैं कॉल देखती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं दिखाई देता है, पर चैट का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉट्सएप हैक कर रखा है उसने, क्योंकि देखा था तुमने, चैट पूरी सोशल मीडिया पे उसने डाल रखा है, हाँ, जिसमें हमने तुमसे बात नहीं किया है, बेबी आई लव यू टू तुमने बोला, ये सब सारी मतलब चैट देखा मैंने कि वो डाल रखा है। तो वो तो यार देखो, मैं तुम्हारे पे पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे ऐसा लगा तुम तो किसी न्यूज़ वाले को वगैरह नहीं देती, मेरा भी नाम खराब कर रही हो, ऐसा तो नहीं है? यार तुम कैसे बात की बात कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे तुम्हारी साथ ही रहना है, उसके साथ रहने नहीं है, तो मैं क्यों ऐसा करूंगी, मारा अच्छा, दिमाग तो ठीक है। अरे मेरा दिमाग ठीक है, मैं वो बात नहीं कर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्लीज चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हम आपकी राय को जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।